एससीओ समिट में अफगानिस्तान पर चर्चा हुई, अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर मंथन हुआ। तालिबान के आने के बाद यह मुल्क सबसे खराब हालात का सामना कर रहा है, सिर्फ जंग और जंग और बढ़ता आतंकवाद। तालिबान राज में अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाही के कगार पर है, वहीं अब भी अफगानियों का देश छोड़ने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, खासतौर पर महिलाएं देश छोड़कर जाना चाहती हैं। ये पाकिस्तान के तोरखम में अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर की तस्वीर है। तालिबानी सरकार को बने एक महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं और उसकी अर्थव्यवस्था दिनों दिन गर्तने जा रही है। रोजी रोटी और भविष्य की अनिश्चितता से परेशान लोग अभी भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं। अफगानिस्तान से खुद कनाडा अफगानिस्तान अमनियत ना हो तालिबान न पड़ेगी स्पेशली पर्सन वोमेन। तोरखा में ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वापस अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, मगर उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा रही। इनमें से ही एक नांगरहार का हकीम है। इस बीच तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान के आर्थिक हालात बेहद मुश्किल में है। जिनेवा में सोमवार को डोनर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अफगानिस्तान के लिए 1.2 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की मदद देने का वादा किया गया, मगर इसके साथ ही यूएन महासचिव ने ये साफ कर दिया कि कोई ये सोचता है कि यूएन अफगानिस्तान में सब कुछ ठीक कर देगा तो ये कपोल कल्पना है। For decades, that have spent trillions for decades. And to think that even if they have failed with all these resources to fix the problems of Afghanistan, the UN can now, without that money and without those forces, the UN can now solve the problems that they didn't solve for decades is, of course, a fantasy. इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के लिए तैनात खोजी कुत्तों का दस्ता एक बार फिर से काम में जुट गया है। तालिबानी कब्जे के बाद पहली बार ये दस्ता मंगलवार को काम पर लौटा। हालांकि ये खबरें भी सामने आई कि ये वही कुत्ते हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक छोड़ गए हैं। K9 यूनिट का दावा है कि वो इनका पूरा पूरा ख्याल रख रही है। आज तक ब्यूरो।